तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ मलाड माइंड स्पेस, जो कि पूरा कॉल सेंटर का एरिया है। ये देखिए जस्ट डायल का ऑफिस, और ये नीचे जो है इसके डी मार्ट आता है, ऊपर जस्ट डायल का ऑफिस है, और इसके जस्ट बाजू में आप देखेंगे तो वहाँ इन्फिनिटी मॉल है, और इन्फिनिटी मॉल से ही स्टार्ट हो जाता है माइंड स्पेस। माइंड स्पेस पूरा कॉल सेंटर का एरिया, ऑफिशियल एरिया है पूरा। ये देखिए यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो स्टार्ट हो जाता है माइंड स्पेस, और वो जो सामने जो दिख रहा है वो है इन्फिनिटी मॉल। और ये देखिए पूरा शांतिपूर्वक एरिया है, पूरा अच्छा ग्रीनरी एरिया है, शांतिपूर्वक एरिया है। और ये देखिए ये इन्फिनिटी है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो माइंड स्पेस स्टार्ट हो चुका है, माइंड स्पेस का पहला रास्ता। और सामने देखिए वो सोनी टीवी और एयरटेल का ऑफिस है, कुछ सामने बिल्डिंग पे दिख रहा है। मैं आपको पास जाके भी एक बार दिखा देता हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सोनी टीवी का ऑफिस है और एयरटेल का ऑफिस है, एक ही बिल्डिंग में है वो। और अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं, देखिए पास से देख लीजिए। ये बिल्डिंग जो है ये सोनी टीवी और एयरटेल के ऑफिस की है। और ये जो एरिया है ये पूरा 24 आवर्स चालू रहता है मोस्टली। यहाँ रात में भी लोग रहते हैं, खाने पीने का भी यहाँ पे चालू रहता है, क्योंकि कॉल सेंटर वाले तो ज़्यादा हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आया हूँ माइंड स्पेस। मैं थोड़ा वॉक करने के लिए आया था शाम के टाइम, क्योंकि इधर थोड़ा शांति रहती है, और तो मैं सोचा मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि क्या क्या इधर माइंड स्पेस में। पूरा कॉल सेंटर का एरिया है, मुंबई का सबसे बड़ा कॉल सेंटर अपने माइंड स्पेस में है, और शुरुआत इसकी होती है ये डी मार्ट के ऊपर ही अपने जस्ट डायल का ऑफिस पड़ता है, उसके बाजू में पड़ता है इन्फिनिटी मॉल, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है माइंड स्पेस। तो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, और इधर वॉकिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा एरिया है बैक साइड में, जहाँ पे काफ़ी लोग शाम के टाइम या सुबह वॉक करते हैं, और एकदम शांत एरिया है। या तो यहाँ पे सिर्फ आपको गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, क्योंकि पूरा ऑफिशियल एरिया है। और ये देखिए ये मेरे पीछे जो है ना, ये सोनी टीवी का ऑफिस है, और उसके जो पीछे है वो इन्फिनिटी मॉल है। और ये देखिए कितना अच्छा और शांत है, एकदम ग्रीनरी है यहाँ पे, देखो एकदम शांत है, सब वॉकिंग करते हुए मिलेंगे। देखिए कितना शांत एरिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी जब मैं मुंबई में नया नया था तो मैंने भी सुना था, मैंने भी जॉब के लिए ट्राई किया था कॉल सेंटर में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कॉल सेंटर कहाँ पे है मुंबई का। मेरे को कभी था, मैं रहता मरीन लाइन्स में था, और मेरे को कभी थाना में गया था, और कभी भांडू कहीं और के इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन मेन जो है वो मलाड में पड़ता है। लेकिन 2019 में मैं मलाड शिफ्ट हुआ था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे सब कॉल सेंटर, मतलब मुंबई के जो सबसे बड़े कॉल सेंटर है वो माइंड स्पेस में है। और ये काफ़ी शांत एरिया है देखिए, और मैं अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगा, आगे में काफ़ी ऑफिस है। ये पहली गली है जो मैंने अभी पकड़ी है, मतलब स्टार्ट हुआ है अभी माइंड स्पेस, ये काफ़ी लंबा है। तो फ्रेंड्स, मेरे बाजू वाला जो रोड है उस साइड थोड़ा लोग आपको बैठे मिल जाएंगे, कपल्स वगैरह जो भी है शाम के टाइम वॉक करता है, वो थक जाता है, वो बैठे हुए मिल जाएगा। और मैं आपको बैक कैमरा भी ऑन करके दिखाता हूँ कि सामने भी कुछ लोग वॉक करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, काफ़ी शांत एरिया है, मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी। तो फ्रेंड्स, ये वो एरिया है जो 24 घंटे चालू रहता है, यहाँ पे काफ़ी शॉप वगैरह भी ओपन रहती है जो 24 आवर्स रहती हैं, क्योंकि कॉल सेंटर 24 आवर्स रहते हैं, तो उनके खाने पीने के लिए या फिर चाय वगैरह की शॉप या फिर नाश्ते के लिए 24 आवर्स ओपन रहती है। तो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी लंबा है क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और ये देखिए वॉक करने के लिए अच्छा एरिया, एकदम शांत है, यहाँ बैठ सकते हो, या फिर आफ्टरनून में कोई आता है इंटरव्यू के लिए आता है, या वैसे भी कोई गुजर रहा है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है, क्योंकि आगे चल के गार्डन भी है। और मोस्टली तो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, या फिर आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो आपको वॉक करते हुए मिल ही जाएंगे।
और बैठने वाले लोग भी यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे आपको। इस साइड जो मेरे अपोजिट साइड में जो रोड है वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और मतलब बाइक लेके आते हैं कुछ लोग या फिर ऑटो से आते हैं, सिर्फ स्पेशल बैठने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी हवा चलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बाजू में एक गंदा पानी का नाला है, मतलब नाला है या पूरा पानी भरा हुआ है, ये देखिए। और बाकी ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरा कॉल सेंटर का है, इसके आगे भी जो है वो भी बिल्डिंग कॉल सेंटर का, ऐसे करके मेन रोड आ जाता है लिंकिंग रोड। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जो कॉल सेंटर में जो जॉब करते हैं या फिर वो उनका बीच में उनको टाइम मिलता है कुछ चाय वगैरह के लिए, तो वो लोग नीचे भी आपको दिख जाएंगे। ये देखिए, ये जितने भी लोग हैं ये कॉल सेंटर पर ही जॉब करते हैं, जितने भी दिख रहे हैं इनको फ्री टाइम में ये लोग चाय वगैरह सिगरेट वगैरह पीने के लिए इधर में आते हैं। देखिए जितने भी हैं, ये अभी कुछ लोग मैं आपको दिखाऊंगा ये आगे वीडियो में, वो लोग अभी ऑफिस में जाते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए जो रोड क्रॉस कर रहे हैं कुछ लोग, ये अभी ऑफिस का इनका टाइम हो चुका है ड्यूटी का। ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये पूरा कॉल सेंटर है। और मैं आपको अगली गली में भी लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले एक गार्डन पड़ता है, मैं आपको वो गार्डन पूरा दिखाऊंगा। मैं वैसे कभी गया नहीं हूँ उस गार्डन में, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के। तो फ्रेंड्स, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये कॉल सेंटर है पूरा, और इससे आगे भी दो चार बिल्डिंग है, उसके बाद मेन रोड आ जाता है लिंक रोड जो पड़ता है। और वहाँ पे देखिए, मैंने आपको जूम करके दिखाया है, मैं आपको दिखा दूंगा, वहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हैं जो जॉब से, जो कॉल सेंटर पे जॉब करते हैं। और मैं ये गली में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अगले वाले रास्ते पे जाता हूँ, क्योंकि आगे भी एक रास्ता हो रहा है, तो शायद उसके बाद भी एक रास्ता है, तो काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस साइड ना जाके मैं आगे की साइड जाके आपको पूरा दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए कितना शांत एरिया है शाम के टाइम वॉक करने के लिए और माइंड को रिलैक्स करने के लिए, काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे आके। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बाजू में गंदा नाला है, तो जो बाजू वाला रोड है वहाँ पे काफ़ी बदबू आती है, तो उस साइड नहीं बैठ सकते। और आगे चल के गार्डन भी है, मैं आपको दिखाऊँगा, और वो गार्डन पर काफ़ी लोग भी रहेंगे। और जैसे जैसे उस मेरे जो बाजू में जो रोड है, अपोजिट में जो रोड है, उस पर काफ़ी भीड़ चलती है, मैं जिस पे चल रहा हूँ वहाँ उतने लोग हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जाऊंगा गार्डन में और मैं आपको उससे पहले दिखा देता हूं बीच में जो गंदा नाला मैंने आपको बताया था, जहाँ से स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं बाहर से। ये देखिए, ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, वो देखिए वो जो पानी भरा हुआ है वो काफ़ी गंदी स्मेल करता है, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसकी वजह से मच्छर भी हैं यहाँ पर काफ़ी। बाकी ये एरिया इतना शांत और अच्छा है, और काफ़ी महंगा एरिया है ये, क्योंकि ऑफिशियल एरिया है, ऊपर से कुछ एक रास्ता है जहाँ पे रहने के लिए है लोगों के लिए। ये देखिए ये वॉक करते हुए ये बंदा जो है ये वॉक कर रहा है, ये लोकल है यहाँ का। और ये कुछ बस वगैरह खड़ी हुई है, ये कॉल सेंटर वालों की हैं जो उनको छोड़ने के लिए घर या फिर घर से लाने के लिए, उनके लिए काफ़ी ऐसी काफ़ी बस खड़ी हुई है, लाइन से खड़ी हुई है। आगे चलेंगे तो काफ़ी और एक दो बस और आएंगी, जो कि मैं आपको शायद वीडियो में आ जाएंगे, क्योंकि आते वक्त भी मैंने वीडियो लिया है, तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अभी मैं आपको लेके, ये देखिए ये गार्डन की सीढ़ियाँ, यहाँ से स्टार्ट होता है गार्डन, तो मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि दूर से इतना जूम मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस मोबाइल से, तो मैं आपको पास में जाके दिखाता हूँ। और इसके सामने ही जो रास्ता है वहाँ पे भी बिल्डिंग है, मतलब ऑफिस है कॉल सेंटर के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सीढ़ियों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और यहीं से ऊपर चलेंगे तो गार्डन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये ऑफिस है गार्डन के सामने एकदम, ये देखिए, और ये देखिए ये भी गार्डन के सामने ही बिल्डिंग पड़ती है। ये पूरा एरिया जो है कॉल सेंटर का एरिया है। तो फ्रेंड, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए ये पूरे ऑफिस है यहाँ पे, सब जितने भी है कॉल सेंटर के ऑफिस है। ये देखिए ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरे जस्ट पीछे है गार्डन, तो अभी मैं आपको गार्डन के अंदर लेके चलूँगा। मैं पहले कभी गया नहीं हुआ, आज पहली बार जाऊँगा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, वरना मैं इस रोड से कभी रुका भी नहीं हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ आते जाते यहाँ से देखा है मैंने। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अभी गार्डन लेके चलता हूँ, और ये गार्डन का गेट है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी शांत है, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देखिए ये घूम के, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है गार्डन, और कितना शांत एरिया है, मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। इस साइड मैंने आपको मैंने वीडियो ले लिया है, मैं आपको दिखा दूँगा।
लेफ्ट साइड का जो है, और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। एकदम शांत एरिया है, यहाँ पे आके आप बैठ सकते हो। अच्छा, अगर आप दोपहर में भी इधर आते हो, आफ्टरनून में आते हो इधर, तो भी अच्छी जगह है ये, क्योंकि धूप कहीं मिलेगी नहीं आपको, हर जगह पेड़ ही पेड़ है। ये देखिए कितने घने पेड़ हैं, ये देखिए। लेकिन अंदर खाना ले जाना अलाउड नहीं है, खाने का सामान आपका चेक हो जाता है बाहर, क्योंकि शायद गंदगी की वजह से कोई गंदा ना करे। बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, एकदम क्लीन गार्डन है ये। लेकिन हाँ, बाजू में जो पानी भरा हुआ है वो देखिए, यहाँ से थोड़ा स्मेल आता है बस, बाकी गार्डन एकदम क्लीन है। सिर्फ सामने जो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ से थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन गार्डन के अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है। शायद इसी वजह से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है गार्डन, ये एकदम शांति और सफाई वाला गार्डन है, एकदम क्लीन है। यहाँ पे जो भी लोग बैठे हों एकदम शांति से बैठे हुए हैं, और मेरे सामने जो है ना वो बहुत गंदा पानी है, मतलब गंदा नाला भी नहीं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तालाब, मतलब काफ़ी बड़ा है, लेकिन बदबू से पता लगता है कि कितना गंदा है यहाँ पर। इतनी गंदी स्मेल है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हवा एकदम ठंडी चल रही है और गार्डन एकदम मेंटेन है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, आपको लगेगा नहीं कि गंदा पानी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करूँगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं बैक कैमरा करता हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है अभी तक तो, लेकिन ये देखने में कितना अच्छा व्यू लग रहा है देखिए। लेकिन मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा गंदा है और इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है कि खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ से जल्दी निकलता हूँ, और गार्डन काफ़ी अच्छा है, अंदर नहीं पता चलता है कि कोई बदबू का भी नहीं पता चल रहा है, स्मेल अंदर नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं वो काफ़ी शांत बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ बात नहीं कर रहा था, और इसलिए मैं साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, एकदम साइड में आके, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ इधर, मुझे नहीं पता इधर वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कैमरा ऑन कर लिया, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को ना तो फ़ोन से फ़ोटो खींचते हुए यहाँ देखा है, ना फ़ोन ऑन करते हुए देखा, मतलब कैमरा ऑन करते हुए देखा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो शांत है, और कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं, तो एकदम शांति फील हो रही है। अच्छा है बैठने के लिए, काफ़ी अच्छा है, अगर आप इस साइड आते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो, या फिर कभी कोई भाई इंटरव्यू के लिए आता है कॉल सेंटर के, तो वो इधर आके बैठ सकता है अगर धूप वगैरह ज़्यादा है तो, बाहर है वो तो। और लेकिन खाने पीने का सामान इधर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बाहर ही गेट पे आपकी चेकिंग हो जाती है कि आप कुछ खाने पीने का सामान लाए तो नहीं है, क्योंकि वो क्लीनिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग गंदा कर देते हैं ना, खा पी के वहीं फेंक देते हैं, इसी वजह से यहाँ पे अलाउड नहीं है शायद। जो कि गेट पे आप आपका अगर खाने पीने का लेके आते तो रख लेते हैं वहीं पे, जो जाते वक्त आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही है यहाँ पे, गंदी स्मेल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी वीडियो में जैसा भी है गार्डन, लेकिन देखता हूँ मैं भी शांत, बहुत सोच समझ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता है कि अलाउड है या नहीं। तो चलिए चलते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाते हुए लेके चलता हूँ। ये गार्डन के बीच में कुछ पानी का नाला है शायद, या तो बारिश के लिए बनाया गया होगा, तो इसको अभी क्रॉस करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे। लेकिन ज़्यादा मैं कैमरा ऑन नहीं कर रहा था खुल के, क्योंकि किसी बंदे को मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाते हुए अभी तक नहीं देखा है। और ये देखिए गार्डन में कुछ एक्सरसाइज के लिए या फिर झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये देखिए सामने ही माइंड स्पेस है, एकदम टच में है ये गार्डन। आप किसी इंटरव्यू के लिए आए हैं या वैसे आप आए हैं इधर, कुछ आपको कुछ देर के लिए आराम करना है, बैठना है कहीं, तो आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मैंने देखा, और शांति यहाँ पर इतनी है कि मैंने अभी तक किसी गार्डन में तो नहीं देखी है इतनी। ये देखिए ये पूरा, ये बाहर जो बिल्डिंग है ये सब कॉल सेंटर की बिल्डिंग है ये देखिए। और ये गार्डन जो है ये भूल भुलैया जैसा गार्डन है, मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते से आया था और निकलने वाला रास्ता किधर है, लेकिन मैं बाहर निकल जाता हूँ। बाहर से भी देखिए ये मेन एंट्री है,
और ये जो सामने है ये कॉल सेंटर की बिल्डिंग है पूरी। और मैं अब आगे आप चल के आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे 24 आवर्स शॉप वगैरह खुली रहती है नाश्ते वगैरह के लिए, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे काफ़ी जो भी जॉब करते हैं यहाँ पे नाश्ता करते हुए, चाय या फिर धूम्रपान करते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये ही एक एरिया है जो 24 आवर्स चालू रहता है, मतलब रात को भी कोई ना कोई आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको चाय वगैरह या फिर कुछ नाश्ते का मतलब मिल सकता है यहाँ पे आपको। और काफ़ी लोग हैं, ये मतलब रनिंग एरिया है, रात में भी यहाँ पे लोग आपको खड़े हुए मिलेंगे। और ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि रात है तो ऐसा लगेगा कि रात है या फिर सब कुछ सब सो चुके, ये एकदम चालू एरिया है। और फ्रेंड्स मैंने जो आपको गार्डन दिखाया था वो सिर्फ गार्डन का वन साइड था, जितना बड़ा एक साइड है सेम वैसा ही दूसरी साइड भी है, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं वन साइड गया था। तो फ्रेंड्स अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।